हम तेलंगाना सुनिए, हम तेलंगाना सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने वाहियात बातें की हैं उसका बेल का कंडीशन यही था कि वो दोबारा इस तरह की बकवास और हेट स्पीच नहीं देगा। उन्होंने इस तरह का भाषण देकर अपने बेल कंडीशन का वायलेशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में उनका बेल कैंसलेशन के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा और उसी शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र में भी FIR हुआ है। तो वो बार बार अपने ही बेल के कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं और ये फिट केस है उनके खिलाफ लीगली आगे बढ़ने के लिए। और संगारेड्डी में जो पटनचिरू में जिस 3 बच्चों को मारा और पीटा गया मार्केट के मामलात में, कल मेरी DSP संगारेड्डी से बात हुई है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट और असॉल्ट का केस बुक किए हैं। मैंने उनसे कहा है कि सर वो उसमें सेक्शन लगाइए 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि एक बच्चे का हाथ टूट गया, दूसरे बच्चे के दांत टूट गए हैं। तो खैर उनको नहीं पता था, आज हमारे पार्टी के लोग वहाँ गए हैं, उन बच्चों को भी लेकर गए, केस रजिस्टर हुआ है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अनकरीब में उन तमाम जो एलिज्ड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।